तो लौंडो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तुम समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की गांड से निकले हुए गोबर की दुनिया के बेताज बादशाह केआरके के बारे में। और देखो यार, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी ऐसा शख्स होगा जो इस बावली गांड को ना जानता हो, क्योंकि केआरके बॉलीवुड का फेंका हुआ वो कचरा है जो बिना कहे बॉलीवुड की हर फिल्म और एक्टर के बारे में गंध मचाता फिरता है। पर इस बार इस फटी हुई गांड ने उड़ता लंड लेने के लिए अपनी ढीली गांड कैरी को दे दी। तो चलो यार, अब बात कैरी की आ ही गई है तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आज मैं रिव्यू करूंगा कैरी मिनाती का, यानी कि अजय नागर का। बेटा नागर क्यों रखा है नाम तूने? सीधा नगर ही रख लेता। ओ भाई, क्या ही कॉमेडी की है यार, बताओ, मजे दिला दी यार तुमने तो, एक बिल्कुल कतई मौज करा दी। मजाक को मजाक की तरह लिया करो। ऐसे तो भैया तुम्हारा भी नाम कमाल राशिद खान है, पर सच बता, झाट बराबर भी कुछ कमाल का है तुझमें? नहीं ना, तेरे भी घर वाले कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। उन्होंने की कभी कोई तुझसे शिकायत? वो लोग भी सोच रहे होंगे साला कमाल से अच्छा तो रुमाल नाम रख देते लौंडे का, एटलीस्ट गंदगी साफ करने के तो काम आता। सुपरस्टार बनेगा, शक्ल तेरी हथियार के टोपे जैसी। वाओ यार, देखो जरा शक्ल की बात भी कौन कर रहा है, जिसे देखने के बाद खुद समझ नहीं आता कि आगे से इंसान चलते हुए आ रहा है या फिर किसी ने अपने चिकने लंड को सूट पहना के खुला छोड़ दिया हो। गांड पे तेरी एक भी बाल नहीं है। तो भोसड़ी के तू उसकी गांड चाटने गया ही क्यों? अब बोल ना मर्डर चोर। और गवार गांड के हाइजीन बोलते हैं उसको, हर किसी को तेरी तरह गांड में बालों का गुच्छा लेकर घूमने की आदत नहीं होती। मुझे तो लगता है बेटा कि तू हाफ बिरयानी है, तुझे लड़की का रोल ही मिलना चाहिए, इससे ज्यादा भोसड़ी के तेरी औकात नहीं है कुछ करने की। अच्छा, मतलब इसके लंगड़े दिमाग के हिसाब से देखा जाए तो जिनकी बॉलीवुड में कुछ औकात नहीं होती वही लड़की का रोल करते हैं। वाह भाई वाह। अबे इसलिए बोलता हूँ, वीडियो बनाने आते हो तो थोड़ी लॉजिक की बातें लेकर आया करो, बाद में अपनी स्टेटमेंट्स का उड़ता तीर गांड में लिए घूमते हो। पता है आज तक मैंने तेरा रिव्यू क्यों नहीं किया था? क्योंकि बेटा तू कुछ था नहीं, तेरी कोई औकात नहीं थी, तो तेरे बारे में वीडियो बनाना, तेरे बारे में कुछ कहना, जैसे तू लोगों की माँ बहन करता है वैसे ही तेरी माँ बहन करना, तुझे पब्लिसिटी देना था, इसलिए मुझे तुझे पब्लिसिटी देनी नहीं थी। लेकिन बेटा अब तू बन गया एक्टर, और अब मैं तुझ पर वीडियो बनाऊंगा तो मुझे भी थोड़े व्यूज मिलेंगे और थोड़ा बहुत यूट्यूब का पैसा मेरे पास भी आ जाएगा। और एक बात बता, तुझे खुद को सुनाई दे रहा है जो तू बोल रहा है? नहीं मतलब जितने तेरी वीडियो में व्यूज नहीं आते ना, उतने लोग तो कैरी के डिसलाइक सेक्शन में बैठे होते हैं। भोसड़ी के ने शक्ल अपनी कभी देखी नहीं आईने में, देख लेता तो एक्टर बनने का नाम ही ना लेता। अबे लंगड़े लंड की पैदाइश, भोसड़ी की एक्टिंग करने गया है वो, मॉडलिंग नहीं, जो 6 मिनट की वीडियो में 60 बार शक्ल की बात कर रहा है। और तेरी शक्ल की बात करे तो तेरी जैसी शक्ल वाले इंसान को तो यूट्यूब पे भी नहीं होना चाहिए, बॉलीवुड तो फिर भी बहुत दूर की बात है। तो चलो यार बस, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो तुम्हें कैसी लगी, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन जरूर बजा देना। टिल देन गुड बाय माय यूट्यूब फैमिली, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।